नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 6 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल अजमेर की प्रतिपृष्टि स्कूल की छात्राओं की अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल किया गया था। यूपी के रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलकाता रेप हत्या मामले को लेकर कहा कि मैं यहां दलितों की रक्षा करने आया हूं, मैं कभी अभी कोलकाता पर नहीं बोलूंगा, आप लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेटरल एंट्री मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया। पीएम के निर्देश पर भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया। इस मामले का विपक्ष के साथ ही सरकार के सहयोगियों ने भी विरोध किया। लेटरल एंट्री में आरक्षण न देने का विरोध किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विनोद तावड़े सहित अन्य नेता पहुंचे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने कहा कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा। क्षमा करें, आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल। सलीम खान और जावेद अख्तर की सीरीज एंग्री यंग मैन 20 अगस्त को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी और इससे पहले मुंबई में इसकी स्ट्रीमिंग रखी गई है। इसमें जावेद अख्तर, सलीम खान और उनके अलावा बड़े सेलेब्स शामिल हुए। अब इन तस्वीरों में देखिए, एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में जावेद अख्तर अपनी वाइफ और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ पहुंचे, तो वहीं सलीम खान भी अपनी सीरीज की स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जिन्होंने पैपराजी को कई सारे पोज दिए। तो वहीं सलीम खान भी अपनी सीरीज की स्क्रीनिंग में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं इन फोटोज में कि उन्होंने कितने सारे पोज दिए। एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस शोभिता धुलपाला भी शामिल हुई, जो डेनिम लुक में काफी स्टर्निंग लुक में रही। एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस शोभिता धुलपाल भी शामिल हुई। इनका जो एक स्टाइल था वो अलग ही था। एक्टर रितेश देशमुख भी सलीम जावेद की सीरीज की स्क्रीनिंग में स्पॉट हुए, जो ड्रेसिंग लुक में दिखे। एक्टर रितेश को देख के सभी लोगों ने उनकी खूब तारीफ भी की, वो काफी डैशिंग लुक में नजर आए। तो वहीं एक्टर कुणाल खेमू भी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के बाद एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में पहुंचे, जो काफी कूल नजर आ रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी एक साथ कितने कूल नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि फिल्म मेकर बोनी कपूर ने भी एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में शिरकत की, जो कि इस दौरान कुर्ते पिजामे में सामने आए थे। आप देख सकते हैं बोनी कपूर को कि कुर्ते पिजामे में काफी पोजेस देते हुए नजर आए। तो वहीं बोनी कपूर की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर भी एंग्री यंग मैन की स्क्रीनिंग में पहुंची, जो कि कैजुअल लुक में नजर आई। आप देख सकते हैं खुशी कपूर का कैजुअल लुक काफी लोगों को पसंद आया है, जिन्होंने इसमें काफी कमेंट भी किए। आप भी बताइए आपको इनका लुक कैसा लगा, और साथ ही एंग्री यंग मैन के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लड़कियों से यौन इच्छा पर काबू पाने की सलाह देने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। कोर्ट ने कहा कि हमने धारा 376 के तहत दोषी बहाल कर दी है, विशेषज्ञ की समिति सजा पर फैसला करेगी, हमने फैसले को रद्द कर दिया है। बीजेपी झारखंड प्रदेश कोर कमेटी का आज शाम को होगा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ वर्तमान नीतियों राजनीतियों मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर की डीपी ब्लैक की है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह मौसम
खुशनुमा, कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री पर इस कदर किए गए छिड़ा की सरकार के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सीधी भर्तियों वाले उस विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसे यूपीएससी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए शनिवार को जारी किया था। पीएम मोदी के निर्देश पर डीओपीटी मंत्री ने यूपीएससी अध्यक्ष को लेटरल एंट्री रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। लेटरल एंट्री वाले विज्ञापन पर पीएम मोदी के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन में यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 भर्तियां निकाली थी। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की थी। विपक्ष जिसकी जमकर आलोचना कर रहा था। दरअसल बिना यूपीएससी एग्जाम दिए ही इन पदों पर सीधी भर्ती होनी थी। उस विज्ञापन पर विवाद के बाद रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री पर 45 नियुक्तियों को लेकर विवाद हो रहा था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और लालू यादव समेत तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए सरकार एससी एसटी ओबीसी के हक पर डाका डाल रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही के लेटरल एंट्री की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी। वैष्णव ने कहा था कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान होती रही है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया अतीत में की गई ऐसी पहल के प्रमुख उदाहरण है। मंत्री ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सेवाओं के लेटरल एंट्री के लिए प्रस्तावित 45 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस की कैडर संख्या का 0.5% है, जिसमें 4500 से अधिक अधिकारी शामिल हैं और इससे किसी भी सेवा की सूची में कटौती नहीं होगी। लेटरल एंट्री वाले नौकरशाहों का कार्यकाल 3 साल है, जिसमें 2 साल का संभावित विस्तार शामिल है। वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह ने 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लेटरल एंट्री से प्रवेश किया था और वित्त मंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पे उन्होंने कहा कि इस रास्ते से सरकार में शामिल हुए अन्य लोगों में सैम त्रिबोध और कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री विमल जलान, कौशिक बसु, अरविंद बिरमानी, रघुराम राजन और अहलूवालिया हैं। जलान सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रहे। बिरमानी और बसु को भी क्रमशः 2007 और 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया और बाद में 2013 से 16 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। अहलूवालिया को शैक्षणिक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सरकारी भूमिकाओं को लाया गया। उन्होंने 2004 और 14 तक योजनाएं आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वैष्णव ने कहा कि इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन निलेकणी ने 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।